Thank you. असला यर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब हे से होंगे वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी शेयर करूँगी मैं अपनी चांद रात प्लस ईद वन के रूटीन और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना अवतार के बाद मैंने यहाँ पे खीर बनानी स्टार्ट की थी तो खीर बनाने के लिए मैंने दूध यहाँ पे लिया है दूध को ना अपने बॉयल करना है बहुत मज़ेदार सी खीर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी तो यहाँ पर चावल लिए थे मैंने ना उनको भिगो दिया था काफ़ी देर पहले और यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक सा मैंने पीस लिया है और उसके साथ थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कदूकश करके रख लिए हुए थे और कुछ मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिए हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया था दो किलो दूध लिया है मैंने उसको अच्छा सा उसमें ना हल्का सा बॉयल आया है उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए हम देख सकते हैं इसके बाद ना चावल डालने के बाद आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहना है ताकि इसके ना लम्स ना बने अब यहाँ पर देखें जब आप डालेंगे तो थोड़े बहुत लम्स बन जाएंगे लेकिन मिक्सिंग में ना वो आसा टूट जाएंगे उसके बाद साथ साथ मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मैंने कल घर जाना था लीज़ा को स्कूल से छुटियाँ काफ़ी कम हैं इस दफ़ा तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ईद के दिन ही चली जाती हूँ वैसे मैं सेकेंड ए जाती हूँ तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े तो सारे निकाल के रखे हुए थे यहाँ पर पैकिंग करनी थी यहाँ पर देखिए कितना मज़ेदार सा कलर आ चुका है खीर का खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है दूध भी ना काफ़ी ज़्यादा मैंने पकाया है और इसलिए अच्छा सा कैरमलाइज हो चुका है दूध भी और साथ जो है ना ये खीर भी बड़ी अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है चावल गल चुके हैं इस पॉइंट पे यहाँ पे मैंने धो के किशमिश रखी हुई है ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब वो मैंने डाल दी है और उसके बाद खुश दूध है मेरे पास ही खुश दूध मैंने डाला है जी इसमें आलमोस्ट आधा कप के करीब और उसके बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि सारे लम्स वगैरह इसके टूट जाएँ और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए तो खुश दूध अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं बड़ा अच्छे से इसके साथ फ्लेवर आ जाता है खीर का आपकी किसी भी मीठे का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके साथ उसके बाद आपने अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है और आपने इसके सारे लम्स तोड़ देने हैं उसके बाद मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अब इस पॉइंट पे डाल दूंगी अगर आपको अच्छे लगे तो आप जरूर डालें मैंने यहाँ पे बादाम थोड़ा सा बिल्कुल पीस लिया है और साथ मैंने पिस्ता रखा हुआ है दुकश करके ये थोड़े से भी मैं इस पॉइंट पर डाल दूंगी आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्जी के डाल सकते हैं अच्छा उसके बाद आपने केरमल बनाना है कैरमल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया फ्राइंग पैन फ्राइंग पैन को आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है इसमें कोई नमी वगैरह नहीं होनी चाहिए उसके बाद मैंने ना दूध के हिसाब से डाली इसमें चीनी मैंने इसमें एक आधा कप के करीब चीनी डाली है अच्छा यहाँ पे मेरे पास जो थी जो दूध था मेरे पास आलमोस्ट दो किलो के, के करीब था और चावल जो मैंने आपके पास शो किए आपके साथ उतने ही मैंने इसमें डाले थे तो आलमोस्ट जो है ना आधा कप ही इसमें बनेगा इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था ड्राई मिल्क पाउडर इसलिए मैंने इसमें थोड़ी कम शुगर डाली है अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क या ड्राई मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो आप इसमें चीनी थोड़ी कम डाल दें और अगर आप नहीं यूज़ करें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा कर सकते हैं कैरमल बनाने के लिए बस आपने ना स्लो और मीडियम टू आ, हाई फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकाना है और ये जब इस तरह से चीनी जो है ना आपकी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी तो आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है उस तरह से आपकी चीनी अच्छे से जब मेल्ट हो जाएगी तो अच्छा से इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और आपने इसको साथ साथ ना इसका चम्मच चलाते रहना अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी अच्छा से चेंज हो रहा है और साथ साथ चीनी मेल्ट हो रही है सारी और यहाँ पर देखिए सारा के सारा चीनी मेल्ट होकर ना ये अच्छा सा इसका कलर बन जाएगा उसको आपने ऐड कर देना है खीर के ऊपर अब यहाँ पे मैंने खीर रखी है दोबारा इसके बाद में सारा कैरमल ऐड कर दूँगी कैरमल ऐड करने के बाद आपने इसको फिर थोड़ी देर के लिए पकाना है आलमोट टेन मिनट्स के लिए आप इसको ज़रूर पका लें अच्छा बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा जब आप इसमें कैरमल ऐड करेंगे तो और ये सारे का सारा मैं इसमें ऐड कर दूँगी अच्छे से मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी साथ साथ और उसके साथ मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पकाऊंगी ताकि अच्छा सा जो है ना चीनी का टेस्ट आ जाए इसके अंदर तो इसके साथ ना बड़ा अच्छा सा जो खीर है उसका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा और उसके साथ आपको बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर भी आएगा जो आपको रेगुलर खीर में नहीं मिलेगा तो ये थोड़ थोड़ी सी जो है ना आपने चेंज करनी है आपने खीर की रेसिपी में और बहुत मज़ेदार सी आपकी खीर बन जाएगी यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स कर लूँगी इस तरह से उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था आलमोस्ट एट टू टेन के लिए और उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करूंगी और उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी अब यहाँ पे मैंने ना सारे का सारा कैरेमल इसमें ऐड कर दिया है इस तरह से आपने सारा कैरेमल इसमें ऐड करना है और कलर देखिए आपके सामने मैंने ऐड किया है कितने आसानी से जो है ना मज़ेदार से इसका कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खीर बन जाएगी और बस इस तरह से मैंने अब इसको मिक्स करके ना छोड़ देना है टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स के लिए बस थोड़ी देर के लिए और ये पक जाएगी और बाकी सारे इंग्रीडियंस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं अच्छा उसके बाद ना यहाँ पे मैंने खीर को थोड़ी देर के लिए ठंडा करना था अब यहाँ पे कपड़े जो है ना अभी आए थे ईद के मेरे हस्बैंड के और उससे पहले मुझे अलीज़ा कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दो तो बस उसको मैंने खाना छाना खिला खिलाकर ना उसको मेहंदी लगा दी थी तो मैंने खुद भी थोड़ी सी मेहंदी लगा ली तो ये बच्चों के साथ देखिए इधर उधर जो है ना मेहंदी लग जाती होती है तो ये थोड़ी सी मैंने एक हाथ पे अपने दूसरे हाथ से मेहंदी लगाई है और उसके बाद अब मैं थोड़ी देर बाद कपड़े इस्ते करूँगी जब मैं मेहंदी वॉश कर लूँगी क्योंकि कपड़ों के साथ ना लग जाए अच्छा उसके बाद असम्बलिंग करने लगी हूँ मैं और खीर जो है ना मैंने डिश आउट कर लिया है यहाँ पर यहाँ पर मैंने ली है जी फैनी आप अपने सुना होगा नाम और अगर आपके पास फैनी नहीं है तो आप जो रेगुलर छोटी वाली सिवियाँ होती हैं उनको आप भून के भी डाल सकते हैं लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो आपने अपने, अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकालनी है जी फीनी उसको इस तरह से आपने करना है छोटा छोटा बारीक सा उसके पीसेस कर लेने हैं आप थोड़े बड़े भी रख सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लें और यहाँ पर मैंने लिया है जी ट्रे और यहाँ पर मैंने सारा इसके अंदर खीर पहले से निकाल ली हुई थी इस तरह से सारे कॉर्नर्स पर जो है ना मैं फीनी के साथ इस तरह से इसकी लाइनिंग कर लूँगी बहुत अच्छा सा इसके साथ फ्लेवर आता है आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी आप रेगुलर भी बना सकते हैं इसको बच्चों के लिए बना सकते हैं बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे तो ये ना मैंने ईद के लिए बना के रख ली थी और वैसे मैं ईद के लिए जो मीठा है वो हमेशा रात को ही बना लेती थी क्योंकि सुबह हमारे जो है ना यहाँ पर ईद की नमाज़ बहुत जल्दी हो जाती है तो सुबह जब भी जाते हैं तो नाश्ते से पहले जो है ना ईद की नमाज़ के लिए जाते हैं तो खाने में कुछ ना कुछ मीठा खा के जाते हैं तो यहाँ पे ना मेरा मीठा रेडी होता है तो इस तरह से मैंने पहले फिने की सारी लाइनिंग कर दी है उसके बाद ये ड्राई फ्रूट्स मैंने रखे हुए थे बादाम जो है ना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा क्रश कर लिया है और मैंने चॉप करके कर रखे हुए थे यहाँ पर पिस्ता उसके साथ मैं सारा इसको गार्निश कर लूँगी और उसके बाद जो है ना मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो जाएगी इसको फिर आप फ्रीज कर लें फ्रिज में रख दें और ये आप आराम से यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट डे भी तो बस ये थोड़ी सी ठंडी हुई थी उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और ये जो है ना मेरी खीर बिल्कुल रेडी हो गई थी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको भी बहुत पसंद आएगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और इतनी मज़ेदार सी रेसिपी है बहुत फ्लेवरफुल रेसिपी है और ये देखें ये रेडी होके इस तरह से लगती है और बहुत ही प्यारी सी जो है ना ये आप मेरी खीर रेडी हो गई थी माशाल्लाह से बस अब इसको मैंने फ्रिज में रख देना था थोड़ा सा जो है ना वो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा बना था तो यहाँ पे मैंने लिया जी छोटा सा बाउल और इसके ना मैंने इतना मज़ेदार सा इसका फ्लेवर था और देखिए ये थी इसकी जी लुक और आपको हर बाइट में एक अलग फ्लेवर मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार सी ये खीर बनी थी आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा आपको जरूर पसंद आएगी और देखने में भी इतनी प्यारी थी और खाने में उससे भी ज़्यादा प्यारी थी तो ये मज़ेदार सा मीठा आप पहले भी रेडी करके रख सकते हैं और ऑन द टाइम आप सर्व कर सकते हैं और इस इसी तरह की सर्विंग जैसे मैंने एक पॉट में की है आप इसको डिफरेंट बाउल्स में करके भी ना आप इसको सर्व कर सकते हैं मतलब पोर्शन साइज़ की आप अलग अलग से सर्विंग कर लें बहुत ही मज़ेदार ये बनी है और हर बाइट में आपको फ़्लेवर मिलेगा अच्छा तो उसके बाद मैंने मेहंदी वॉश कर दी थी क्योंकि काम अभी बहुत ज़्यादा था अभी यहाँ पे मैंने कपड़े रखे हैं मैं इनको प्रेस करने लगी हूँ और इनको मैं प्रेस करके रख लूँगी ताकि जो है ना सुबह ईद की नमाज़ से पहले जो है ना सारे चीज़ें रेडी हों बाकी सारे कपड़े तो मैं रेडी कर चुकी थी बस ये कपड़े अभी आए हैं तो इसलिए मैं इनको रेडी करने लगी थी इस्ते करने के बाद जो है ना ये देखें टाइम आप ये रात का टाइम है सवा बारह बज चुके हैं यहाँ पर और अभी मैं किचन में गई थी उसके बाद मैंने किचन संभाला था सारे बर्तन वगैरह वॉश किए थे अच्छा जी ये है जी ईद डे वन की लुक मेरी तो यहाँ पे बच्चों को चेंज कराने के बाद यहाँ पे मैं कपड़े चेंज कर चुकी थी इस तरह से जो है ना इसका कलर है ब्रच है इसका ब्लॉक प्रिंट है और ये मुझे ईदी मिली है जी आ, मेरे ससुर से तो ये भी मैं आपको शो करी थी यहाँ पे और बस यहाँ पे जो है ना मैं बच्चों को भी रेडी कर चुकी थी ये थी जी अलीज़ा अलीज़ा को मैंने इस तरह से रेडी किया था और ये थी आइजल और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं जा रही थी अपने चचा के घर मतलब मेरे ससुर के जो चचा हैं उनके घर जा रही थी उनके लिए मैं मीठा लेके जा रही थी तो यहाँ से बस मैं मीठा उनके लिए यहाँ से निकालूँगी और उसके बाद जो है ना उनके लिए मैंने निकाला है दो बाउल्स में और बस अब उसके बाद मैं गई थी वगैरह मिलने उनको उसके बाद वापस आके मैंने खाना स्टार्ट किया था बनाना तो खाने में मैं आज बना रही थी मज़ेदार सी बिरयानी तो बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ बहुत सारी शेयर कर चुकी हूँ लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी है आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे मैंने लिया था जी ऑलमोस्ट दो मीडियम टू लार्ज साइज़ के प्याज़ लिए हैं इस तरह से मैंने उनको स्लाइस कर लिया था अब यहाँ पर ना मैंने उसको ऑयल डाला है आलमोस्ट वन कप के करीब और उसके बाद मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि प्याज जो है ना अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए अच्छा सा कलर चेंज हो चुका था प्याज का उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट और अदरक लहसन की पेस्ट को भी अपने अच्छे से जो है ना ब्राउन कर लेना है यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसकी मिक्सिंग कर दी है उसके बाद मैं ना साथ में चेंज कर लूँगी मैरीनेशन यहाँ पे मैंने चावल लिए थे ना आलमोस्ट वन किलो और दो किलो मैंने लिया था चिकन तो चिकन की मेरीनेशन यहाँ पर मैं रेडी कर लूँगी आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको कम अज़ कम भी दो घंटे के लिए मेरीनेट करके रख लें बड़ा अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम अज़ कम आधे घंटे के लिए ज़रूर मेरीनेट करके रखें तो यहाँ पर मेरी ऑलमोस्ट हाफ आवर के लिए मैंने इसको मैरीनेट करके रखा था चिकन मैंने यहाँ पर डाल दिया जी बाउल में यहाँ पे मैंने डाले हैं दो कप टमाटोज़ टमाटोज़ मैंने बड़े आ, प्यारे से लाल लाल से टमाटर लिए हैं दो तरह का बिरयानी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ शान का बिरयानी मसाला मैंने लिया है और इसके साथ साथ मैंने लिया है जी नेशनल का बिरयानी मसाला और दोनों मैंने आलमोस्ट टू टू थ्री टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं आप घर का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं नमक मिर्च हल्दी और होम मेड बिरानी मसाला होम मेड पुलाव मसाला की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है आप वो मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप इसमें ड्राई बुखारा डाल लें लेकिन पैकेट मसाला मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ मैंने इसके अलावा कोई तो मसाला यूज़ नहीं किए हैं नमक मैंने इसमें डाला है अच्छा दही इसमें मैंने ऐड नहीं किया अगर आप चाहें तो आप इसमें दही ऐड कर दें उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा लेकिन मैंने इसमें दही ऐड नहीं किया बस यहाँ पर मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है इस तरह से आप इसको अच्छे से मैरीनेट कर लें उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें अगर तो आपके पास टाइम है तो दो घंटे आप इसको लाजमी दें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको ऑन द स्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पे मैंने इसको हाफ आवर के लिए मेरीनेट करके रख दिया था पहले से ही उसके बाद जो है ना मैं इसको यूज़ कर लूँगी अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप प्याज का कलर जो है ना अच्छा सा चेंज हो चुका था और ये मेरीनेशन मैंने इसमें डाल दी थी इसके बाद अपने अच्छे से इसको मिक्स करना है जितनी देर में अच्छा सा ना कलर चेंज हो जाएगा चिकन का हमारा उसके बाद आपने इसको कवर करके पकाना है ताकि टमाटर जो है ना अच्छे से नरम हो जाएं क्योंकि कवर करके जब आप पकाते हैं तो टमाटर जल्दी अच्छे से नरम हो जाते हैं यहाँ पे बस मैंने ना फटाफट से इसको कवर कर दिया था और यहाँ पे देखें जब मैंने इसका कवर हटाया तो टमाटर ऑलमोस्ट गल चुके हैं जो चिकन का मॉइस्चर था वो भी ऑलमोस्ट ड्राई होने वाला है तो यहाँ पर मैं इसमें आलू डाल के इसकी मैं बुनाई कर लूँगी अच्छे से मैं चिकन को भून लूँगी जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं इसके में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डालूंगी ताकि आलू जो है ना हमारे आलू और चिकन बिल्कुल टेंडर हो जाए तो यहाँ पे बस मैं इसकी मिक्सिंग करूँगी अच्छे से इसकी बुनाई कर लूँगी जब तक कि पानी अच्छे से इसका ड्राई हो जाए अब यहाँ पे देख देख सकते हैं कि मसाले ने ना ऑयल छोड़ दिया है बिल्कुल अच्छे से बुनाई हो चुकी है इसकी तो यहाँ पे मैंने इसमें कड़ाही मसाला डाला है वन टेबल स्पून टिक्का मसाला डाला वन टेबल स्पून टिका मसाले से ना बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है आपकी बिरयानी का तो यहाँ पे मैंने बस टिक्का मसाला डाल के अच्छे से एक दफ़ा फिर मिक्सिंग कर ली है आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा मोस्चर ड्राई हो चुका था पहले वाला मैंने इसकी अच्छे से बुनाई कर ली थी अब मैंने इसमें इतना पानी डालना है ताकि चिकन और आलू जो थे वो हमारे अच्छे से टेंडर हो जाएँ तो बस थोड़ा सा पानी डाल के ना आप इसको मीडियम फ्लेम पे कवर करके रख दें ताकि अच्छे से जो है ना ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स गल जाएं अब साथ में मैंने पॉट रख दिया है दूसरा उसमें मैं राइस बॉईल करने लगी हूँ तो राइस पहले से मैंने ना वॉश करके रखे हुए हैं तो बस यहाँ पे इनको बॉइलिंग का प्रोसेस करना है यहाँ पर मैंने इसमें दो सब्ज मिर्चें डाले हैं अपनी फेवरेट वाली हैलपिनी स्टाइल की उसके बाद मैंने इसमें इस डाले हैं जी नमक और ऑयल डाला है मैंने इसमें इस थोड़ा सा पानी को अच्छा सा बॉयल आएगा तो उसमें मैं चावल डाल दूंगी और यहाँ पर देखें चावल डाल के अच्छा सा उनको बॉयल आ चुका था इस पॉइंट में मैं इसको कवर करके पकाऊंगी ताकि चावल अच्छे से फूल जाएँ बड़ा अच्छा सा आपका चावल का साइज़ बनता है जब आप अच्छे से उसको भिगो के रखते हैं कुछ टाइम के लिए और वो बहुत अच्छे खिले खिले से बनते हैं और उनको आप अच्छे पानी में बॉयल करते हैं अच्छा मैं चावल को हमेशा फुल बॉईल करती हूँ आपने मेरी रेसिपीज़ देखी होंगी आप फुल बॉईल चावल के साथ भी बना सकते हैं और मैं सेला चावल भी बनाऊँ और अगर बासमती राइस भी बनाऊँ तो भी मैं फुल बॉईल के साथ ही बनाती हूँ और अभी भी मैंने चावल जो है ना बिरयानी मैंने बासमती राइस के साथ बनाई है बहुत ही परफेक्ट मेरी बिरयानी बनी है माशा से और उसके बाद जो है ना इसका कलर भी बहुत अच्छे आए थे चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं थे और इवन के अगर आप एक दो दिन के बाद भी इसको यूज़ करें तो आपकी बिरयानी बिल्कुल वैसी ही रहती है तो आप ज़रूर मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें आपको भी बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उसके साथ आप बहुत अच्छी सी बिरयानी बना सकते हैं या फिर मैं ऊपर गई थी वहाँ से मैंने मज़ेदार सा ना खुशबूदार सा अपना सब्ज़ धनिया भी लेके आई थी वहाँ से और मैं पुदीना भी लेके आई हूँ उसको मैंने अच्छे से वॉश करके गार्निशिंग के लिए रेडी कर लिया है दो सब्ज़ मिर्ची ली हैं मैंने हेलो पीने वाली और उनको मैंने काट लेना है गार्निशिंग के लिए और एक मैंने लिया है जी मीडियम साइज़ का टमाटर उसको भी मैं कर लूँगी अच्छा यहाँ पे ना ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे मेरे चावल दम के लिए तो यहाँ पे बस मैंने तवा रख दिया है उसके ऊपर मैं दम दे दूँगी चावल को यहाँ पे मैंने इसको बस कवर कर दिया है कपड़े से और उसको इस तरह से मैंने दम दे दी है आलमोस्ट टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का और उसके बाद जो है ना मैं इसको एक फुल दम देने के बाद मैं इसकी कर लूँगी असम्बलिंग तो यहाँ पे बस आलमोट सारी गार्निशिंग हो चुकी है मेरी रेडी इसके बाद मैं टमाटर भी इसमें काट लूँगी टमाटर आप किसी भी शेप में काट सकते हैं राउंड काट सकते हैं जो काट सकते हैं छोटे बड़े किसी भी साइज में काट सकते हैं और गार्निशिंग में बहुत अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर मैंने बस गार्निशिंग रेडी कर ली थी उसके बाद मैंने रायता रेडी करना था जी रायते के लिए भी मैंने सारी चीज़ें कटिंग कर करके रख दी थी यहाँ पर बस मैंने दही लिया है उसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी लम्स वगैरह सारे इसके टूट जाएँ उसके बाद मैंने इसमें डाल देना है जी प्याज़ टमाटर और सब्ज़ मिर्ची मैंने इसमें डाली हैं और उसके बाद मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया है इसको पुदीना के साथ और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था नमक वगैरह मैं नहीं डालती हूँ एक्स्ट्रा बस यहाँ पे जो है ना साथ में रायता भी हो चुका था रेडी और बस इसके साथ मैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको भी रेडी कर लूँगी इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था फिर इतनी देर में जो है ना मैं इसकी चावल के एकदम भी हो चुका था तो चावल के सेकेंड दम के लिए मैं उसको कर लूँगी असम्बल तो रायता यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका था इसको मैंने थोड़ा सा पुदीना के साथ यहाँ पे देखें गार्निश कर लिया है अब यहाँ पे देखें चावल जो है ना बिल्कुल मेरे रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह से और इतने खिले खिले से बने हैं तो यहाँ पे मैंने तवा रख दिया था जी अब सालन वाला जो मैंने बनाया था कोरमे वाला चूल्हा उसके नीचे तवा रख दिया है और अब चावल जो है ना मैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करूँगी मैं मोस्टली अगर जिस तरह से ज़्यादा चावल होना तो मैं इस तरह से निकालती हूँ इनको प्लेट के साथ निकाल लेती हूँ चम्मच के साथ भी आप निकाल सकते हैं जिस तरह से आपको इजी लगे और जब थोड़े से कम हो जाते हैं तो फिर मैं इस तरह से ना देगचे के साथ ही इसको लट देती हूँ मेरे पास चावल जो थे वो चिकन के हिसाब से कम थे तो मैंने इसलिए ना एक स्टेप में सारे डाल दिए हैं आप टू लेयर्स में भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं मैंने बस वन स्टेप लेयरिंग की है इसकी उसके बाद मैंने सारी की सारी गार्निशिंग इसके ऊपर ऐड कर देनी है उसके बाद मैंने इसमें डालना है जी फूड कलर मैंने एक लिया है जी रेड फूड कलर और एक लिया है मैंने ऑरेंज फूड कलर थोड़ा सा मैंने ड्राई डाल के चेक किया था लेकिन ड्राई जो है ना वो इतना अच्छा कलर नहीं दे रहा था तो इसलिए मैंने उसको लिक्विड बना के फिर ऐड किया है रेड फूड कलर मैंने ऐड किया है उसके साथ मैंने येलो फ़ूड कलर ऐड किया है थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी स्पेसिस में थोड़ी थोड़ी जगह पर करके आपने करना है और ये दोनों कलर्स से ना बड़ा अच्छा सा आपकी बिरयानी का कलर आ जाता है ये देखिए ये प्यारे से जो है ना मैंने छोटी सी ग्लासेस लिए हैं इसके साथ मैंने कलर्स इसमें ऐड कर दिए हैं रेड कलर ऐड किया है उसके बाद मैंने येलो कलर ऐड किया है और उसके बाद मैंने इसके अच्छे से जो है ना इसको दम देना है 15 मिनट्स का सारे का सारा जो है ना अब सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका था चूल्हा नीचे ऑन है बिल्कुल आ, दम वाली स्पीड पे ही और उसके बाद मैंने लास्ट में तली हुई प्याज डाल दी थी इसके ऊपर उसके बाद मैंने इसको कवर करके पकाना है मैनुअली थोड़ा सा मैंने इसको इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख के इसको मैंने दिया था दम टेन टू फिफ्टीन मिनट्स का तो बस यहाँ पर दम मेरा रेडी हो चुका था अच्छा खाना शाना खाने के बाद ना मैंने घर जाना था अपने तो मैं आ, बस घर के लिए रेडी हुई थी और हम लोग घर चले गए थे उसके बाद जो है ना मैंने ईद डे का कोई भी बिलाग नहीं बनाया और यहाँ पर देखें कि बिरयानी मेरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये देखिए कलर्स कितने अच्छे इसके कलर्स आए हैं बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनी थी आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत मज़ेदार लगेगी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और ये देखिए जी चावल कितने खिले खिले बने हैं बासमती राइस की ये बिरयानी बनी हुई है कोई सेला राइस मैंने यूज़ नहीं किए हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनती है आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आपको ज़रूर पसंद आएगी और उसके बाद बस खाना वगैरह खाया था और यहीं के पे मैंने जो है ना अपना डे वन का व्लॉग एंड कर दिया था उसके बाद मैं अपने घर चली गई थी और एक दो दिन मैं दो तीन दिन वहाँ पे मैं रही हूँ और ये था जी आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग